हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये देखिए फ्रेंड, बोगनविलिया के फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। अगर सुबह की शुरुआत इन फ्लावर के साथ हो तो बहुत अच्छा दिन रहता है। मैं तो सुबह ही ऊपर आ जाती हूँ छत पे अपनी, और अन्य प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्लावर खिले हुए। कोई भी काम करना हो सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ। पानी देना, जैसे खाद देना वगैरह, मैं सुबह सुबह ही अपने काम प्लांट्स के ख़त्म कर लेती हूँ। तो आज मैं आपसे फ्रेंड्स इस पोर्चुलाका के प्लांट के बारे में बात करूँगी। हमने इसको अगले गर्मियों के लिए कैसे सेव करना है उसके बारे में बात करूँगी। अभी इन पर कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो हमने इसको कैसे सेव करना है। मैं अभी कटिंग करने लगी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी इसको शेयर करूं। ये पर्सलेन है, इसकी अभी नीचे से ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस पर फ्लावरिंग नहीं होगी तो हमने इसको अभी काट देना है। तो इसके दो मेथड हैं इसको सेव करने के। एक तो ये इसके बीज नीचे से, ये वाले, ये देखिए इसके ये बारीक बारीक बीज जो होते हैं, हम इनको सेव करना कर सकते हैं। थोड़ी सी राख लेकर, वुड हैश लेकर, उसमें इसको मिलाकर इसको सेव कर सकते हैं, या कोई भी फंजीसाइड मिलाकर उसके। ये देखिए इसके सीड, शायद आपको नहीं दिख रहे, देखिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए इसके सीड, आप इसको भी सेव कर सकते हैं। तो आप अगर आप सीड भी नहीं आप इसके सेव करना चाहते तो आप ऐसे इसको कैसे सेव करें, तो आप इसे फ्रेंड्स ऐसे नीचे से यूं काट दें, बस इसकी जड़ें रख लें और बाकी सब ऐसे काट दें, अकेले जड़ 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 रख लें। तो वो अगले मतलब फरवरी आने के बाद तो इसमें खुद ही ये अंकुरित होने लग जाएगी। इसको थोड़े दिनों के बाद पानी दे दें, ऊपर से सारा इसको खाली कर दें ऐसे काट के। ये देखिए ऐसे इसको सारी को काट दें, नीचे से रख लें, बाकी सब काट दें, क्योंकि अगर ये ऊपर से सूखने लग गई तो ये सारी नीचे तक जड़ को भी सुखा देगी। तो आप इसे ऐसे काट दें और ऐसे देखिए आप इसको ऐसे काट के इसको सेव कर सकते हैं। ऐसे ही आपने इस पर्सलेन को करना है, इसको भी ऐसे ही काट दें। मैं तो ऐसे ही इनको बचा के रखती हूँ फ्रेंड्स अगले सीजन के लिए। तो आप इसको ऐसे काट दें, बहुत ही इजी मेथड है। आप इसको अगले सीजन के लिए सेव करके रख लें। और अगर हम इसको फेंक भी देंगे उखाड़ के तो फ्रेंड्स हमको नए सीड लाने पड़ेंगे, उनको ग्रो करना पड़ेगा। अगर हमारा यही सेव होगा तो यही अंकुरित हो जाएगा। तो हम इसको कटिंग ले लेके और भी पॉट्स तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह इसको आप अगले सीजन के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए अभी मैं इसको फेंक दूंगी, ये देखिए। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, और फ्रेंड्स इसको धूप फुल धूप में रखें, इसको छाया में मत रख दें, फुल धूप में रखें, तो फुल धूप में इसकी ग्रोथ भी ठीक रहेगा, ये सूख भी नहीं पाएगा। तो आप पानी भी अभी इसको 4-5 दिन के बाद पानी दे दें। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय।